लुकार्च सुसमाचार का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम अपने अध्ययन को लुकार्च सुसमाचार उसके 2 अध्याय से आरंभ करेंगे और इस पुस्तक में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। यीशु का जन्म बेतलहम के गौशाले में, यीशु का स्वागत, स्वर्गदूतों द्वारा चरवाहों को संदेश, चरवाहे गौशाले को जाते हैं, यीशु का खतना और मरियम का शुद्धिकरण, मंदिर में शमौन के विषय में घटना, मंदिर में हन्ना के विषय में घटना, नासरत को लौटना, यीशु, मरियम और यीशु का यरूशलेम आना जब यीशु 12 वर्ष का था। हम इन्हीं विषयों को आज देखेंगे। आइए हम अपने बाइबल में से सबसे पहले बेतलहम के गौशाले में यीशु के जन्म के बारे देखें और इसे हम पढ़ेंगे लुकार्च सुसमाचार 2 अध्याय उसके 1 से 2 पद में। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं। यह पहली नाम लिखाई उस समय हुई जब क्विरिनियुस सूर्या का हाकिम था। कुछ लोग जब इस मुहावरे को पढ़ेंगे तो ऐसा सोच सकते हैं कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाएं, अर्थात रोमी साम्राज्य उस समय सभी देशों में कर लगा रहा था। जगत शब्द के लिए यूनानी शब्द ओइकोमेन का अर्थ होता है बसी हुई पृथ्वी और उन दिनों के सभ्य जगत को दर्शाता है। उन दिनों में उत्तरी यूरोप में बहुत से असभ्य लोग थे लेकिन इस कर में शामिल नहीं थे। फिर भी यदि कैसर अगस्तुस के सामने वे होते तो उन सब पर भी कर लगाने में उसको अच्छा लगता। मित्रों, कैसर अगस्तुस कौन था? वह जूलियस कैसर का दत्तक पुत्र था। वास्तव में उसका नाम ओक्टावियानुस था और उसने कैसर नाम को ले लिया। मैं समझता हूँ कि उसे ऐसा करने का अधिकार था। अब अगस्तुस नाम बिल्कुल नाम नहीं था परंतु एक शीर्षक था, अर्थात पद था। जब राज्यसभा ने उसे कुछ शीर्षक प्रस्तुत किया जैसे राजा, सम्राट और अधिनायक, तो इनसे वह संतुष्ट नहीं हुआ। इसके बदले उसने अगस्तुस शीर्षक को चुना जिसका धार्मिक अभिप्राय था और यह अपने आप को देवता तुल्य बनाने की कोशिश कर रहा था। यह कोई दुर्घटना या इत्तेफाक नहीं कि डॉक्टर लुका ने कैसर अगस्तुस के नाम का उल्लेख किया है। मित्रों, इस व्यक्ति ने एक लगान अर्थात कर बिल में हस्ताक्षर किया जो सारे जगत में कर लगाया जाए। उसे अपने विशाल साम्राज्य को नियंत्रित करने के लिए, एक सेना खड़ी करने के लिए और अपने लिए अयाशी जीवन जीने के लिए पैसों की जरूरत थी। लुका के ऐतिहासिक संदर्भ की ओर ध्यान दें कि यह पहली नाम लिखाई हुई थी जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था, तब कर लागू किया गया था। हम लुकार्च सुसमाचार के 2 अध्याय उसके 3 से 7 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, सो यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गया कि अपने मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उसके जनने के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा क्योंकि उनके लिए सराय में जगह न थी। मित्रों, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूसुफ और मरियम गलील के नासरत नगर से निकले और यहूदिया में दाऊद के नगर बैतलहम को गए। यूसुफ ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वह दाऊद के वंश से था। मरियम को बैतलहम क्यों जाना पड़ा? वह भी तो दाऊद के वंश से ही थी। मैं रोमांचित हो गया जब मैंने इस सरल ऐतिहासिक रूप से विशुद्ध परिच्छेद को पढ़ा और इसके पीछे आश्चर्यजनक आत्मिक सच्चाई को भी जाना। कैसर अगस्तुस ने अपने आप को ईश्वर बनाने की कोशिश की थी। वह चाहता था कि लोग उसकी पूजा करें। उसने कर अर्थात टैक्स बिल में हस्ताक्षर किया जिसके कारण नासरत में रहने वाले एक स्त्री और पुरुष को, जो वहां के रहने वाले लोग थे, नाम लिखवाने के लिए बैतलहम जाना पड़ा। वह स्त्री गर्भावस्था में थी और अपने घर में परमेश्वर के पुत्र को लिए हुए थी। यह आश्चर्यजनक बात है। इस कैसर अगस्तुस ने अपने आप को ईश्वर बनाने की कोशिश की परंतु आज कोई भी उसका आदर नहीं करता है और न ही उसे कर अर्थात टैक्स देता है। परंतु मरियम के गर्भ का वह छोटा बालक जिसकी आराधना हम में से बहुत लोग आज करते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता भी मानते हैं। मित्रों, कैसर अगस्तुस भविष्यवाणी को पूरी करने और आगे बढ़ाने के लिए केवल परमेश्वर के हाथ का औजार या एक साधन था। मीका के पुस्तक 5 अध्याय के 2 पद में लिखा है, हे बैतलहम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो
तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इसराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। मित्रों, यह एक अनोखा अभिलेख है। प्रत्येक बात जो हुई वह परमेश्वर के द्वारा आयोजित थी। यदि कैसा से कोई कहता, एक मिनट रुको, स्त्रियां जो बच्चे को जन्म देने पर हैं, उन्हें तुम्हारे कारण कर देने के क्रम में घूमना पड़ रहा है, तो मैं समझता हूं कि उसने यह जवाब दिया होता, मैं बालकों और उनकी माताओं की परवाह नहीं करता, मेरी रुचि सिर्फ कर अर्थात टैक्स, सेना, पैसा और अयासी में है। मित्रों, जो भी हो, अब सब बातें उसके साथ ही अर्थात कैसर के साथ ही खत्म हो गई है। लेकिन डॉक्टर लूका इस परिच्छेद में थोड़ा मानवीय विवरण देते हैं। वो कह रहे हैं कि मरियम ने इस नन्हे बालक पर जो शिशु वस्त्र डाले थे, जैसे बच्चों को कपड़े में लपेट कर रखा जाता है, परमेश्वर के पुत्र को पहनाए गए। वह पूर्ण मानव था और परमेश्वर होकर के भी मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ। आइए अब हम आगे देखते हैं यीशु का स्वागत और स्वर्गदूतों का चरवाहों को संदेश देना। लूकार्ची सुसमाचार 2:8 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। मित्रों, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कब हुआ। यह बहुत ज्यादा ठंड के दिनों में नहीं हुआ होगा, नहीं तो चरवाहे अपने भेड़ों के साथ बाहर नहीं रहते। परंतु यीशु के जन्म की तारीख असंगत है, ठीक जैसे उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के दिन भी असंगत हैं। पवित्र शास्त्र यह नहीं बताती है कि उसका जन्म कब हुआ। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका जन्म हुआ था। पवित्र शास्त्र यह नहीं बताती है कि वह कब क्रूस पर चढ़ाया गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हमारे पापों के लिए मरा। हम लूका 2:9-11 में पढ़ते हैं, लिखा है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। मित्रों, यह देखने में अद्भुत लगता है कि एक छोटा बालक इस संसार में आया और आपके हृदय में उसके लिए एक भावना उमड़ती है, एक दया या संवेदना होती है जो आपसे निकलकर उसको जाती है। इसी तरह से परमेश्वर ने इस संसार में प्रवेश किया। वह उस तरह से आ सकता था जैसा कि वह दोबारा पृथ्वी पर बड़े सामर्थ्य और महान महिमा में आएगा। इसके बदले वह सबसे निर्बल और दीन तरीके से एक बालक के रूप में आया। जॉर्ज मैकडोनाल्ड इसे इस तरीके से रखते हैं, वे सभी एक राजा की बाट जो रहे थे उनके शत्रुओं को मार डालने और उन्हें ऊंचा उठाने के लिए। आप आए एक छोटे बालक के रूप में, इस बात ने एक स्त्री को रुला दिया। इसी प्रकार से उद्धारकर्ता इस संसार में आया। उसने अपने ईश्वरत्व को किनारे नहीं रखा, उसने अपनी महिमा को एक तरफ कर दिया। वहां उसके स्वागत के लिए थोड़े से चरवाहों के बदले और स्वर्गदूतों के बदले और अधिक कुछ होना चाहिए था, बल्कि पूरी सृष्टि को वहां होना चाहिए था। कर अर्थात टैक्स वसूलने के बदले कैसर को उसकी आराधना करने के लिए बैतलहम में होना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह उसे ये सब करने के लिए बाध्य कर सकते थे, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने ईश्वरत्व को नहीं त्यागा, परंतु ईश्वरत्व के विशेषाधिकार को त्यागा। वह एक छोटा बालक बनकर के आया। हम लूकार्ची सुसमाचार 2:12 में पढ़ते हैं, लिखा है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। फिर से डॉक्टर लूका यीशु की मानवता पर जोर देते हैं। वह इस संसार में मनुष्य के रूप में आया, हमारी दुर्बलताओं की भावना से उसे स्पर्श किया गया। परमेश्वर मानव जाति के विषय में जानता है, वह आपको जानता है और मुझे भी जानता है। वह हमें समझाता है क्योंकि वह इस संसार में मानव बनकर आया। मित्रों, इसका मतलब यह भी है कि हम परमेश्वर के बारे में कुछ जान सकते हैं, क्योंकि उसने मानव स्वभाव को अपने ऊपर में ले लिया। हम लूका 2:13-14 पढ़ते हैं, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हमारे प्राधिकृत रूपांतर में यहाँ पर एक गलत अंकन दिया गया है। स्वर्गदूतों ने ऐसा नहीं कहा कि पृथ्वी पर मनुष्यों में शांति और सद्भाव मिले।
वास्तव में उन्होंने जो कहा वह था सद्भाव वाले मनुष्य को शांति, या उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। सरदूतों ने मूर्खतापूर्ण कथन नहीं दिया जैसे बहुत से लोग आजकल करते हैं, आओ शांति स्थापित करें। शांति, मेरे मित्रों, दुष्टों के लिए कुछ शांति नहीं, यहोवा का यही वचन है जिसे हम यशायाह की पुस्तक 48 अध्याय उसके 22 पद में देख सकते हैं। हम ऐसे दिनों में जी रहे हैं जब हमें हमारे फालों को पीटकर तलवार बनाने की जरूरत है और तलवार को फाल बनाने की जरूरत नहीं। हम दुष्ट संसार में जी रहे हैं, हम शैतान शासित संसार में जी रहे हैं और इसलिए यहाँ कोई शांति नहीं है। फिर भी सद्भाव वाले मनुष्यों में शांति है। यदि आप उनमें से एक हैं जो मसीह के पास आए हैं और उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं, तो आप परमेश्वर की इस शांति को जान सकते हैं। रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 1 में लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। मित्रों, जब मसीह पहली बार आया तो इसी प्रकार की शांति को लाया। उसके दूसरे आगमन पर वह शांति का राजकुमार बनकर आएगा। उस समय वह संसार में व्याप्त अधार्मिकता और विद्रोह को मिटा डालेगा। वह इस पृथ्वी पर शांति को स्थापित करेगा, परंतु जब तक वो नहीं आ जाता तब तक इस पृथ्वी पर कोई शांति नहीं होगी। हम लूका 2 अध्याय के 15 और 16 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरने में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। मित्रों, गडेरिये अर्थात चरवाहे तुरंत बैतलहम को गए। वहां उन्होंने मरियम, यूसुफ और बालक यीशु को देखा। संभवतः वे ही पहले थे जिन्होंने बालक को देखा, अर्थात वे बालक को देखने गए। मत्ती हमें बताता है कि ज्योतिषी बहुत बाद में उसे देखने के लिए गए। वास्तव में जब ज्योतिषियों को प्रभु यीशु के बारे में समाचार मिला तो वह घर में रह रहा था और संभवतः कई महीने गुजर चुके थे। हम लूका 2 अध्याय के 17 से 20 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया, परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही। और गडेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। मित्रों, मरियम सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, जैसा कि एक माँ हमेशा करती है। यीशु के जीवन को खतरा होने के कारण मरियम और यीशु छोटे बालक को लेकर कुछ समय के लिए मिस्र देश को चले गए और बाद में नासरत को वापस लौटे। चूंकि वह मानवीय परिवार में आया था और वह मूसा की व्यवस्था के अधीन पैदा हुआ था, इसलिए उसने व्यवस्था का पालन भी किया। हम आगे देखते हैं यीशु का खतना और मरियम का शुद्धिकरण। लूकार्ची सुसमाचार 2 अध्याय उसके 21 और 22 पद में लिखा है, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। और तब मूसा की व्यवस्था के अनुसार उनके शुद्ध होने के दिन पूरे हुए तो वे उसे यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं। मूसा की व्यवस्था के अनुसार बच्चे के जन्म के बाद एक स्त्री को 40 दिनों के लिए अशुद्ध माना जाता था। मरियम को एक पापी के रूप में प्रभु के लिए भेंट लाना था, जैसा कि उसने कहा उससे उद्धारकर्ता की जरूरत है। तब हम लूका 2 के 23 से 24 पद में पढ़ते हैं, जैसा कि प्रभु की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहलौठा प्रभु के लिए पवित्र ठहरेगा, और प्रभु की व्यवस्था के वचन के अनुसार पंडुकों का एक जोड़ा या कबूतर के दो बच्चों को लाकर बलिदान करे। मरियम और यूसुफ ने बलिदान स्वरूप पंडुकों का एक जोड़ा भेंट चढ़ाया जो उनकी निर्धनता के प्रमाण थे। मित्र, बलिदान मरियम के लिए था, बालक के लिए नहीं। जहां तक हम जानते हैं कि यीशु ने कभी भी बलिदान नहीं चढ़ाया। आइए अब हम आगे देखें शामोन से संबंधित मंदिर में घटना। लूका 2 उसके 25 से 28 पद में हम पढ़ते हैं, और देखो यरूशलेम में शामोन नाम का एक मनुष्य था, और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इसराइल की शांति की बाट जोह रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था, और पवित्र आत्मा से उसको चेतावनी मिली थी कि वह जब तक प्रभु मसीह को न देख ले
तब तक मृत्यु को ना देखेगा। और वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था के रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में ले लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा। यहां पर हम देखते हैं कि शमौन नाम का एक व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा द्वारा मंदिर में उस समय था जब मूसा की व्यवस्था को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह मंदिर में लाए गए थे। परमेश्वर ने शमौन से प्रतिज्ञा की थी कि वह परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। उसने क्या देखा? उसने एक छोटे से बालक को देखा। उद्धार एक व्यक्ति है और यह कोई चीज नहीं जिसे आप करते हो। मित्रों, उद्धार एक व्यक्ति है और वह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह है। वह या तो आपके पास है या आपके पास नहीं है। आप या तो उस पर भरोसा करते हैं या आप उस पर भरोसा नहीं करते हैं। क्या आज आपके पास मसीह है? अब यहाँ पर एक दूसरा एकल गायन है और इसे शमौन हमारे लिए गा रहा है। हम लूका 2 अध्याय के 29 से 32 पद में पढ़ते हैं जहां पर इस प्रकार से लिखा है, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इसराइल की महिमा हो। मित्रों, यहां पर हम एक बात को देखते हैं कि यह एक अनोखा कथन एक ऐसे व्यक्ति से आ रहा है जो जीवन के प्रति अपने ही दृष्टिकोण में सीमित था, और वह यह है कि वह भौगोलिक रूप से एक निश्चित क्षेत्र में सीमित था। फिर भी उसने उसे देखा जो संसार का उद्धार करता होने वाला था। परमेश्वर के वचन, विशेष करके नए नियम के बारे में यह मेरे लिए आश्चर्यजनक बात है। यद्यपि यह कुछ लोगों को दिया गया है, फिर भी निश्चित रूप से यह संसार को निर्देशित करता है। किसी धर्म ने उस रास्ते को नहीं दर्शाया है। आप देखेंगे कि संसार के धर्म सामान्य तौर पर निश्चित लोगों के लिए, एक जाति या राष्ट्र के लिए सीमित रखे गए हैं, परंतु मसीहत प्रारंभ से ही सब जगह में सब लोगों के लिए है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सबके लिए है। हम लूका 2 अध्याय के 33 से 35 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इसराइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार से वार पार छिद जाएगा, इससे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। यहां पर ध्यान दें कि लूका उन्हें यूसुफ और उसकी मां कहकर पुकारता है, उसके पिता और माता नहीं कहता है। मरियम ने इस संसार में उद्धारकर्ता को लाने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई। उसने यीशु मसीह के क्रूस के नीचे खड़े होकर उसे मरते हुए देखने की एक भयंकर कीमत चुकाई। मसीह के क्रूस ने बहुतों को प्रभावित किया है। कलाकारों ने चित्र बनाया, गीतकारों ने इसके बारे में गीत लिख डाला, और लेखकों और प्रचारकों ने उन क्षणों को शब्दों में चित्रित किया है। उसकी मृत्यु पर सहानुभूतिक ढंग से देर तक विचार करने में खतरा है। मसीह किसी की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए नहीं मरा। वह आपकी सहानुभूति नहीं चाहता है, वह आपका विश्वास चाहता है। बाद में लूका के सुसमाचार में जब प्रभु यीशु क्रूस के मार्ग पर था, तब कुछ स्त्रियां विलाप करने लगी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। इसे हम लूका के 23 अध्याय के 28 पद में पाते हैं। मित्रों, यदि आपके पास यीशु के लिए आंसू है, तो उन्हें अपने और अपने परिवार के लिए बचाकर रखें। उसके लिए मत रोएं, क्योंकि उसे आपकी सहानुभूति नहीं चाहिए। यीशु मसीह आपका विश्वास चाहता है, वह आपको चाहता है। फिर भी जब मरियम क्रूस के तले खड़ी थी और उसने यीशु को मरते हुए देखा, तो वह टूटे हुए हृदय से देख रही थी। निश्चय ही उसकी पीड़ा का उसके उद्धार से कोई संबंध नहीं है, और न ही उसकी पीड़ा का उसके उद्धार से कोई संबंध है। उसकी पीड़ा मानवीय संबंध के कारण से थी। वह उसकी मानवीय मां थी। वह उसे इस संसार में लाई और उसे पाल पोस कर बड़ा की। वह उसका बेटा था। आप देखें, जब हमारे प्रभु ने क्रूस पर से नीचे देखा और कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 19 अध्याय उसके 26 पद में हम इसे पढ़ते हैं, तो एक मानवीय संबंध वहां पर था जो किसी और के साथ नहीं था।
वह यीशु की माता के रूप में पीड़ा सह रही थी और उसी समय शमौन की भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। तलवार ने उसकी आत्मा को वेध दिया था। तब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मंदिर में हन्ना से संबंधित घटना। इस सुसमाचार में बहुत से एकल गायन हैं और अब यहाँ एक और गीत प्रस्तुत है। हम लूका 2:36-38 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और अशेर के गोत्र में से हन्ना नाम फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और ब्याह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बात जोते थे उसके विषय में बातें करने लगी। मित्रों, शमौन की तरह ही हन्ना भी परमेश्वर के बहुत करीब रहती थी और परमेश्वर ने उसे भी अपने पुत्र और उसके मसीहा को पहचानने की कृपापूर्ण दृष्टि प्रदान की। उसने धन्यवाद दिया जबकि उसका गीत लिखा नहीं गया है। यह एक प्रशंसा का गीत है। मैं यह कहने से नहीं रुक सकता कि ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि इसराइल के 10 खोए हुए गोत्र हैं। 10 गोत्र वे हैं जो अशुर की गुलामी में ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में चले गए थे। वे इसराइल देश को लौटने के बजाय उत्तर में पलायन कर गए। यदि आप पूरे बाइबल के हर काल में ढूंढेंगे तो पाएंगे कि इसराइल गुलामी के बाद अपने देश को लौटा। व्यवहारिक रूप से आप सभी गोत्रों को चुन सकते हैं। यहाँ हन्ना का उल्लेख अशेर के गोत्र के सदस्य के रूप में किया गया है। प्रत्यक्ष रूप से हन्ना नहीं खोई थी। मत्ती का अभिलेख हमें बताता है कि यीशु के जीवन में अगली घटना घटी थी जो मिस्र की यात्रा में थी। लुका इस अभिलेख को पूरी तरह से छोड़ देता है। इसे दोबारा स्मरण करना अच्छा है कि प्रत्येक सुसमाचार को लिखने का उद्देश्य भिन्न है। मत्ती प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में प्रस्तुत करता है और लुका उसे संपूर्ण या सिद्ध मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करता है। ज्योतिषियों का आना लुका के लिखने के उद्देश्य में सटीक नहीं बैठता है। ज्योतिषी राजा को देखने के लिए आए थे, यूनानी जाति के आदर्श को देखने के लिए नहीं। लुका यीशु को सिद्ध मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करता है और ध्यान दें कि लुका किस प्रकार अपने इस उद्देश्य को इस बिंदु तक लेकर आता है।